नियर दो स्टैक पे इसको सेल कर रहे हैं, 39,500 को 198 पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग सेल करने जा रहे हैं 39,800 को, तो 1,47,000 रुपीज़ मांग रहा है, लेकिन इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हेज कर ले रहे किससे, 39,400 का पीई से, जिसका वैल्यू है 164। तो 39,400 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो बैंक निफ्टी 39,400 पीई, पीई को सेल किए तो, और पीई को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, अमाउंट घट गया। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको होगा तो कितना होगा, एक्सपायरी वाले दिन फॉर एग्जांपल दोनों ही स्ट्राइक पे अगर आउट द मनी में रह जाता तो दोनों का ही वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सेल करते तो दोनों का ही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो 164 पे आप क्या किए, बाय किए हैं, 198 पे सेल किए हैं, तो इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आप क्या किए हैं, 198 पे सेल किए हैं, है ना, साथ ही में आप बाय भी किए कितना, 164 पे, तो 198 पे तो आप सेल किए हैं, 164 पे बाय किए, तो 198 आपको प्रॉफिट दे रहा है, 164 जीरो होता है तो आपको लॉस दे रहा है क्योंकि इसको बाय किए, तो ओवरऑल आपके पास बच कितना रहा है, 34। तो एक लॉट भी अगर आपके पास रहता है बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी है, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है कि कैसे ऑप्शन सेल करेंगे एक्सपायरी वाले दिन, ताकि दोनों का ही वैल्यू जीरो हो जाए और दोनों का ही प्रीमियम आपको मिल जाए।